पुरसुकून हो जाओ। मैंने जो कहा है उसे भूलना मत। तुमने यूसुफ की बेहतरी के सिवा कुछ भी नहीं किया है। मेरी जान, देखो मैंने तुमसे कहा था ना, डरने की कोई बात नहीं है। हमने यूसुफ से कुछ देर बातें की। इसके अंकल ने इसे बहुत अच्छी कहानी याद करवाई है। यूसुफ आपसे बिल्कुल नहीं डरता है, इसके बरक्स उसे आप पर भरोसा है। बिल्कुल ऐसा है, मैं इसका अंकल हूँ। मेरा और इसका ताल्लुक इतना गहरा है कि आप उसे फकत दो मुलाकातों में नहीं समझ सकते। अंकल, तुम फिक्र मत करो मेरे प्यारे भतीजे, हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आइए मिस सहर। मिस सहर, पहले हमें ये बताइए कि आपने खिलाफ वर्जी क्यों की। आपको हमारे इदारे की शर्त का बाखूबी इल्म था, तो आपने क्या सोच समझकर खिलाफ वर्जी की? यूसुफ के लिए। आपने यूसुफ को खो देने के डर से ये खतरा मोल ले लिया, क्या आप ये कहना चाहती हैं? जी, यूसुफ की ना तो माँ है ना ही बाप है, इसी वजह से वो मुझसे और अपने चाचा से बहुत करीब है। हम दोनों में से कोई एक भी ना हो तो उदास हो जाता है, और इस तरह तो उसके जहन पर बुरा असर पड़ेगा। उसकी मासूमियत, उसके जज्बात खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से ये रिस्क लेने पर मजबूर हो गई मैं। यूसुफ का अपने अंकल से ताल्लुक हमें मालूम था, जैसे कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र किया था। वो यमान करीम ली था जो यूसुफ के लिए नुकसानदेह था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शुरू से ही यूसुफ और उसके चाचा के बीच में मोहब्बत का रिश्ता रहा है। यूसुफ ने अपने बाप को नहीं देखा, इसी वजह से एक मर्द होने के नाते उसके लिए रोल मॉडल उसका चाचा है। उसके अलावा यूसुफ के लिए बदलने वाला, उसे खुशियां देने के लिए, उसे मोहब्बत देने के लिए सब कुछ कर जाने वाला चाचा है यमान। लेकिन हमारा नुक्ता नजरिया उनके बारे में अभी तक तब्दील नहीं हुआ। मैंने जो कुछ किया नेक नियति से किया यूसुफ के लिए, लेकिन हमने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया। मिस सहर, आज जब आपके सामने हमारा फैसला आएगा तो हो सकता है आप हमें ज्यादा अच्छे से समझने लगे, क्योंकि आपने किसी मंतक के बजाय जज्बात से सोचना शुरू कर दिया। वो समझते हैं कि आप बहुत बुरे हैं, लेकिन आप तो बहुत अच्छे और बड़े दिल वाले देव हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यमान, यूसुफ को उनके हवाले मत करना, घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। यूसुफ यहीं रहेगा। आप फिक्र ना करें भाई। अंकल, वो लोग मुझे लेने आए हैं। चलो छुप जाते हैं यूसुफ। हाँ, हम ऐसी जगह छुप जाएंगे जहां से वो लोग हमें कभी ढूंढ ना पाए। हाँ यमान, चलो छुप जाए, इसे छुपा देते हैं। हम सब छुप जाएंगे, लेकिन खाला को आने दे, फिर कोई नहीं ढूंढ पाएगा हमें।